असीम ब्रह्मांड के इस छोटे से कोने में निरंतर प्रयास करने वाले हम सब जीव के लिए जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान या तीन आवश्यकता सबसे बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ किसी न किसी उद्यम का होना अर्थात कर्म होना आवश्यक है, क्योंकि उसी से तो हमारा आज और कल टिका हुआ है। अगर आप भी सुख की कामना करते हैं, जीवन में बदलाव की आशा रखते हैं, तो वीडियो केवल न केवल आपके लिए ही है। वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैदिक काल से ही स्वर्ग से भी सुंदर इस संसार में हम सब आने वाले कल की आशंकाओं से चिंताग्रस्त रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए लाभदायक होगा या फिर हानिकारक। भविष्य में हम जो भी कदम उठाएंगे वह उचित रहेगा या फिर अनुचित। ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे मन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आ ही जाते हैं। ऐसे समय में हमें आवश्यकता होती है ऐसे किसी माध्यम की जिसे हम निर्णयों की समीक्षा कर सकें। भविष्य हमारे लिए उचित होगा या फिर हानिदायक, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको दोहरे गोचर की जो वैदिक पद्धति है उसके आधार पर जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि दोहरे गोचर का प्रभाव का लाभ आदि अनादि काल से लिया जा रहा है, तो आपको भी लेना चाहिए। दोस्तों, दोहरे गोचर का प्रभाव गुरु और शनि के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वह 2024 में आपके तीन तीन भावों को जागृत करेंगे जिनका लाभ आपको प्राप्त होगा। और वैसे भी दोनों ही ग्रह लंबी अवधि के ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शनि दोनों ही रंग से राजा बनाने में काबिलियत रखते हैं। तो आइए जानते हैं वह कुंभ राशि को कैसे वह धन, प्रेम, प्रतिष्ठा, अधिकार से बलशाली बना सकते हैं। यह जानकारी आपको तीन बिंदुओं में दूंगा। पहले बिंदु में जनवरी से अप्रैल 2024 तक, दूसरा बिंदु अप्रैल के बाद, और आखिरी बिंदु पर जो जानकारी जो आपको मिलने वाली है वह सच में कमाल की रहेगी। शायद इनके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लग्न में उपस्थित शनिदेव की पूर्ण तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, तो वहां पर शनि और गोहुर गुरु का दोहरा प्रभाव जागृत होगा। यह स्थिति आपको अच्छा खासा लाभ देने में सक्षम होगी। संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि जागृत होगी। ललित कलाओं में आप विशेष रुचि लेने लगेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, वह इस समय अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। अब जब तृतीय भाव साहस का है, सूर्य का है, तो आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्यरत है तो वहां पर आपको उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होगी। राज्य या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, अचानक से मिलने वाले लाभ मिलेंगे, क्योंकि जब तृतीय भाव जागृत होता है तो वह इस भाव से संबंधित फलों को देने पर मजबूर होता है। साथ में वह गुप्त शत्रुओं से मुक्ति देता है। बंधन, कारागार तथा पारस्परिक संबंधों में कटुता जैसे प्रभाव से भी मुक्ति देता है, क्योंकि शनि ग्रह न्याय के देवता है तो गुरु समाज में प्रतिष्ठा के साथ पद देते हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह कहाँ पर है तो वह आपके तृतीय भाव पर बैठे है, और उनकी पंचम दृष्टि कहाँ पर है तो वह आपके सप्तम भाव पर है। और न्याय के देवता शनि के भी सप्तम पूर्ण दृष्टि पहले से ही सप्तम भाव पर ही है, तो वह सप्तम भाव के फल को जागृत करेंगे। जब सप्तम भाव जागृत होगा तो आपको किसी सम्मानीय व्यक्ति से भेंट करवाएगा जो उत्साहवर्धक एवं मानसिक संतोष देने वाली होगी। डील के लिए की गई रिक्वेस्ट मंजूर होगी। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। पति पत्नी बच्चों का स्नेह पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव प्रेम का है, विवाह का है, दाम्पत्य सुख का है। तो अगर आपके पारिवारिक जीवन में उलझन, पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी या फिर कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती थी कि आप तलाक की सोच लेते थे, तो इन स्थितियों से बच सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। छोटे और चचेरे भाई बहनों का भी समर्थन प्राप्त होगा। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल करेंगे। जिन लोगों का संबंध संवाद वाले क्षेत्र से है, जैसे कि डिजिटल मीडिया, वकालत, समाज सेवा, राजनीति या फिर धर्म कार्यों से है, तो आपकी दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी।
आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होगा। आप न केवल धर्म कर्म में रुचि लेंगे लेकिन समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ नया भी कर सकते हैं, और वह इस शनि गुरु के दोहरे गोचर में अवश्य होगा। सप्तम भाव साझेदारी का भी होता है, तो आप साझेदारी में चल रहे व्यवसाय में आशा के अनुरूप बदलाव कर सकेंगे। काम वासनाएं तीव्र होगी, व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलेगा, नया प्रेम संबंध पनपेगा। अब तीसरे बिंदु पर बात करते हैं। दोस्तों, 1 मई 2024 जब गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, और जहां पर शनिदेव पहले से ही अपनी पूर्ण दृष्टि कर रहे हैं, तो वह आपको उच्च दर्जे का व्यवसायी बना देंगे। आपका व्यापार, आपकी कंपनी का विस्तार दूर दूर तक होगा, आपके प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचेंगे, प्रशासनिक लाभ मिलेगा, वह आपको बहुत धनवान बना देगा, क्योंकि गुरु ग्रह पद के देव है और प्रतिष्ठा से घनिष्ठ संबंध है, और वह स्वयं ही देवताओं की गुरु है, इसलिए राज सत्ता एवं सरकारी कार्यों में निर्णायक माने जाते हैं, और उसके ही कृपा से आपका संबंध राज्य या केंद्र में किसी न किसी प्रकार होता है। वह 2024 में आपको राज्य या शासन द्वारा धन दे सकते हैं, वह आपको साधारण कर्मचारी से लेकर करोड़पति बना सकते हैं। 1 मई के बाद वह आपको शासन करने वाला मंत्री, उद्योगपति या फिर सरकारी क्षेत्र में अधिकारी बना सकता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं तो बेच सकेंगे। आप खाने पीने के कार्य, होटल आदि का कार्य, खाद्य पदार्थों की बिक्री के साथ संबंध रखते हैं, तो आप मालामाल होंगे। दोस्तों, इस प्रभाव के फलस्वरूप दो और लाभ भी मिलने वाले हैं। पहला लाभ मिलेगा वह दूर देश की यात्रा के अवसर के रूप में मिलेगा, तो दूसरा लाभ जन्मभूमि से हजारों योजन दूर रहने वाले लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि शनि उन्हें विदेशों में अधिकार देता है, तरक्की के अवसर प्रदान करता है, छोटे से समय में लाभ कमाने के लिए श्रेष्ठ रास्ता दिखाता है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली का विश्लेषण करें और दोहरे गोचर प्रभाव का लाभ उठाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।